The Vani of 26th July 1965 was being discussed. In the middle of the fourth page, बात चल रही थी सच्चा बाबा हमको पढ़ाते हैं तो ये पाठशाला हुई ना. The topic discussed was the true Baba teaches us. So it is a school, isn't it? बुढ़ियाएं, कुबजाएं, अहिल्याएं सब बरसा पाती. The old women, कुबजास, अहिल्यास all receive the inheritance. बुढ़ी भी है, अहिल्याएं भी है. There are the old women as well as the अहिल्यास. क्या? What? तो बूढ़ी है. इंद्रियां उतनी काम नहीं करती है. Firstly, they are the old ones. Their organs don't work so well. कितने हजार साल बूढ़ी है? How many thousand years old are they? हैं? 5,000 साल बूढ़ी. Students, 5,000 years. They are 5,000 years old. ऐसे? Are they old in this sense? ज्यादातर तो इस ज्ञान में बुढ़िया चल रही है ना. Mostly old women are in this knowledge, aren't they? तो बोला बुढ़ियाएं हैं, कुबजाएं हैं. So it was said there are old women, there are kubjas. कुबजा किसे कहते हैं? Who is called kubja? जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती है. The one whose backbone is broken. रीढ़ की हड्डी बैकबोन किसकी टूटी हुई होती है? Whose backbone is broken? ज्ञान में बैकबोन किसे कहा जाता है? Who is called the backbone in knowledge? है? Backbone माना? What does a backbone mean? अरे बाप दादा ही तो हमारा बैकबोन है. अरे बाप दादा himself is our backbone. और किसी की बैकबोन टूट जाए? And what if someone's backbone breaks? बैकबोन बाप दादा सहारा ना दे? What if the backbone बाप दादा doesn't give support? तो क्या कहेंगे उसे? Then what will they be called? कुबजा. कुबजा. अहिल्याएं. अहिल्यास. क्या ले आए? What did they bring? अहि माने सर्प. अहि means snake. और ले आए माने ले आए. And ले आए means brought. माना जिनका पति ज्ञान में चलता नहीं है. It means the one whose husband is not in knowledge. विषय विकार छोड़ता नहीं है. Doesn't give up the poison of vices. भक्ति भावना में अभ्युत होकर के उस पति को भी उठा के ले आती. And being overwhelmed by devotional feelings, she picks up and brings that husband too. तो बोला अहिल्याएं. So it was said अहिल्यास. ये जो भी आती है सब बाबा से बरसा पाएगी. All these who come take the inheritance from Baba. तो ये नॉलेज कितनी सहज है. So this knowledge is so simple. ये बुढ़ियाएं भी समझ लेती हैं, अहिल्याएं भी समझ लेती हैं, कुबजाएं भी सहज समझ लेती हैं. So that the old women understand as well as अहिल्यास and कुबजास understand. और बिल्कुल नई नॉलेज है. And this is completely new knowledge. दुनिया में जितनी नॉलेज पढ़ाई जाती है, जितने ज्ञान दिए जाते हैं, वो सब पुराने पुराने. All the knowledge that is taught, the knowledge that is given in the world is old. और पाप जो कुछ आते हैं वो सब नया सुनाते. But everything that the father says is new. बल गीता है. Although there is the Gita. परंतु उसमें कृष्ण भगवान वाच रंग लिख दिए. In that it is wrongly written, God Krishna spoke. क्यों? Why? कृष्ण तो है साकार. Krishna is corporeal. और भगवान तो निराकार को कहा जाता है. And the incorporeal one is called God. क्योंकि आत्मा स्वयं निराकार है. Because the soul itself is incorporeal. तो आत्माओं का बाप भी निराकार है. So the father of the souls is also incorporeal. जो साकार मनुष्य शरीरधारी है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं. Those who are corporeal human beings who bear a body come in the cycle of birth and death. और जन्म मरण के चक्र में आने वाले अनेक जन्मों की हिस्ट्री बता ही नहीं सकते. In addition, those who come in the cycle of birth and death cannot narrate the history of many births. गीता में तो भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता. God has said in the Gita, O Arjun, you don't know your births. मैं आकर के तेरे को बताता हूँ.
आई कम एंड टेल देम टू यू। तो अपने आने के जन्मों को कौन बता सकता है? मनुष्य बता सकते हैं। सो हु कैन स्पीक अबाउट देयर मेनी बर्थ्स? कैन ह्यूमन बीइंग से दिस? या जो जन्मरण के चक्र से परे रहने वाला भगवान है वो बता सकता है। और कैन गॉड हु इज द वन हु स्टेज बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से दिस? भगवान ही बता सकते। ओनली गॉड कैन से दिस। जो मनुष्य आत्मा जन्मरण के चक्र में फंसती है वो तो बता ही नहीं सकती। The human souls who become entangled in the cycle of birth and death cannot say this at all. तो बिल्कुल नई नॉलेज है। This is completely new knowledge. उस गीता में तो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। In the Gita, it has been written, God Krishna said. कृष्ण तो साकार देवता है। Krishna is a corporeal deity. और भगवान तो निराकार को कहा जाता है। And the incorporeal one is called God. यहाँ तो शिव भगवान वाच बताते हैं। Here they say God Shiv spoke. सब भक्तों का एक भगवान ही होता है। There is only one God for all the devotees. बहुत भगवान तो नहीं हो सकते। There cannot be many gods. भगवान एक होगा या अनेक होंगे? Will God be one or many? सबका सदगति दाता एक है। The giver of the true salvation to everyone is one. और सबको वर्षा देने वाला एक ही है। And the giver of the inheritance to everyone is only one. सतयुग में है जीवन मुक्ति का वर्षा। There is indeed the inheritance of liberation in life in the golden age. बाकी जो मूल वतन में रहते हैं उनको वर्षा मिलता है मुक्ति का। The rest who stay in the supreme abode receive the inheritance of liberation. कुछ आत्माएं मूल वतन में लंबे समय तक रहती। Some souls stay in the supreme abode for a long time. जो लंबे समय तक मूल वतन में रहती है। The ones who stay in the supreme abode for a long time. वो सिर्फ मुक्ति का वर्षा पाती। Receive only the inheritance of liberation. जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा नहीं पाती। They don't receive the inheritance of liberation in life from sorrow and pain. तो कितना समझाते रहते हैं फिर भी नंबरवार बुद्धि में बैठता है। So he keeps on explaining so much, but still it sits in the intellect number wise. मूल बात है सारी पवित्रता पर। The main thing is all about purity. बुद्धि में नॉलेज बैठती है नहीं बैठती है उसका मूल आधार क्या है? What is the main basis of whether knowledge sits in the intellect or it doesn't? Purity. Purity. जितनी मनुष्य आत्माओं ने पूर्व जन्मों में पवित्रता को धारण किया होगा। The amount of purity the human souls would have assimilated in their previous births. उतना उनकी बुद्धि में नॉलेज ईश्वर की बैठी। The knowledge of God will sit in their intellect to that extent. स्वर्ग का मालिक बनना है। If you want to become the master of paradise, तो यहाँ पवित्र जरूर बने। Then you definitely have to become pure here. क्यों? Why? क्योंकि अगर पवित्रता को धारण नहीं करेंगे तो ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। It is because if you don't assimilate purity, the knowledge will not remain in the intellect. सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है। The milk of a lioness remains in a golden utensil. तो पवित्र जरूर बनना पड़े। So you definitely have to become pure. पतित जा ही नहीं सकता। The impure and degraded one cannot go. पतित पावन बाप ही आए करके पावन बनाते हैं। The father who purifies the impure ones himself comes and purifies us. अब बाप कहते हैं ये मूत पलित ही न बनो। Now the father says, don't become dirty in urine of lust. इससे तुम्हारी बुरी हालत हो गई। Your situation has become bad because of this. और तुम्हारी आयु ही छोटी हो गई। And your age has shortened. यहाँ भारतवासियों के आयु सतयुग त्रेता में 200 से ऊपर 200 वर्ष के अंदर होती थी। The age of the residents of Bharat in the golden and silver ages used to be between 100 to 200 years. 150 वर्ष सतयुग में औसत आयु थी। The average age in the golden age was 150 years. वो अब घट करके कलयुग के अंत में 30 वर्ष रह गई। Now that has shortened and has become 30 years in the end of the iron age. अच्छा बाबा ने रोजी और लक्ष्मण को देखा। All right.
पापा सौ रोजी एंड लक्ष्मण। देखो ये माँ बेटी कलकत्ता की सर्विस पर आई है। लुक दिस मदर एंड डॉटर हैव कम इन द सर्विस ऑफ कलकत्ता। बहुत अच्छा नाम निकाला है तीनों ने। द थ्री ऑफ देम हैव ब्रॉट अ गुड नेम। तीनों ही हैं माँ बाप और बेटी। देर आर थ्री ऑफ देम द मदर द फादर एंड द डॉटर। इकट्ठे सर्विस पर जाएं तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। दे कैन डू वेरी गुड सर्विस इफ दे गो टू डू सर्विस टूगेदर। तीनों ही सर्विस पर निकले हुए हैं, ये वंडर है। इट इज अ वंडर दैट ऑल द थ्री ऑफ देम हैव कम फॉर सर्विस। कितने भाग्यशाली हैं। दे आर सो फॉर्चुनेट। बाप कहते हैं मैं तीनों को सेंटर पर चक्कर लगवाऊंगा। द फादर सेज आई विल मेक द थ्री ऑफ देम टेक अ टूर ऑफ द सेंटर। घर तो है ही। दिस इज अ हाउस एनी वे। और बच्चे भी सर्विस पर हैं। एंड द चिल्ड्रन टू आर इन सर्विस। फिर क्यों नहीं ईश्वरीय सर्विस में लग जाएं? देन व्हाई नॉट बिकम एंगेज्ड इन द गॉडली सर्विस। ऐसे बच्चों को मोस्ट लकी चिल्ड्रन से कहा जाता है। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड द लकीस्ट चिल्ड्रन। इनको हु जो परिवार से फ्री हो। द वंस हु आर फ्री फ्रॉम द फैमिली। और परिवार से फ्री हो करके ईश्वरीय सेवा में लग जाए। एंड बींग फ्री फ्रॉम द फैमिली बिकम एंगेज इन द गॉडली सर्विस। तीनों ही बच्चे मोस्ट लकी। ऑल द थ्री चिल्ड्रन आर द लकीस्ट। है ये ईश्वरीय परिवार। दिस इज द गॉडली फैमिली। बाहर जाते हैं तो आसुरी परिवार के हो जाते हैं। वेन यू गो आउटसाइड यू बिकम ऑफ द डेविलिश फैमिली। क्योंकि धंधे धोरी आदि में जाने से माया चक्करी में ले आती है। बिकॉज ऑफ गोइंग इन बिजनेस एक्सेट्रा माया ब्रिंग्स यू इनटू कंफ्यूजन। बुद्धि बाहर में इतनी रिफ्रेश नहीं रहती है। द इंटेलेक्ट डजंट रिमेन एज फ्रेश आउटसाइड। जितने तुम बच्चे यहाँ रिफ्रेश होते हो। एज यू चिल्ड्रन आर रिफ्रेश्ड हियर। अच्छा मीठे मीठे सिकिले ज्ञान गुलजारी बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग। ऑल राइट रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मदर एंड फादर टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन फ्लरिशिंग विद नॉलेज। 26 तारीख की रात्रि को बची हुई पॉइंट। द रिमेनिंग पॉइंट्स फ्रॉम द नाइट क्लास ऑफ द 26th। अकाल मूर्त तो तुम सब बच्चे हो। ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन आर अकाल मूर्त। That is the one who is in the corporeal form and cannot be conquered by death. कैसे? How? तुम बच्चों को न हद में कोई काल खाएगा और न बेहद में कोई काल खा सकता है। Death will neither eat you children in the limited sense nor can death eat you up in the unlimited sense. हद में माना? What does it mean by in the limited sense? जो तुम बच्चे बाप के बच्चे आत्मिक स्मृति में टिकने की पक्की प्रैक्टिस करने वाले हो। यू द चिल्ड्रन ऑफ द फादर हु आर द वंस हु मेक द फर्म प्रैक्टिस ऑफ स्टेइंग इन द स्पिरिचुअल रिमेम्बरेंस। उनको कोई काल शारीरिक रूप से भी नहीं खा सकता। दैट कैनॉट ईट यू अप इवन इन योर बॉडीली फॉर्म। क्योंकि तुम जीते जी स्वर्ग में जाएंगे। बिकॉज यू विल गो टू पैराडाइज अलाइव। तो तुम हो अकाल मूर्त। सो यू आर अकाल मूर्त। ऐसे तो सभी आत्माएं अकाल मूर्त है। इन फैक्ट ऑल द सोल्स आर अकाल मूर्त। क्योंकि आत्मा को तो काल खाता नहीं है। बिकॉज डेथ डजंट ईट सोल्स। हालांकि तुम बच्चे जन्म मरण में आते हो। However, you children come into the cycle of birth and death. जब आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। When you become stable in the soul conscious stage. तो जन्म मरण से परे हो जाते हैं। You go beyond birth and death. विकारों पर जीत पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। You have to make a lot of hard work to gain victory over the vices. बहुत विघ्न पड़ते हैं। Many obstacles arise. माया के थप्पड़ लगते रहते हैं। We keep on getting slaps from Maya. कोई कोई तो विकारों में कर्मणा में भी आ जाते। Some become vicious even in actions. बच्चों के घर में सेंटर खोलना अच्छा है। It is good to open a center at the houses of children. जो समझते हैं हम कोई को भी बाबा का परिचय दे सकते हैं
तो अपने घर पर बोर्ड लगाए देवे। The ones who think that they can give the introduction of Baba to anyone, let them put up a board at their house. Baba correction करते रहेंगे। Baba will keep making corrections. ऐसा board बनावे जो मनुष्य पढ़ते ही समझ जाए। Let them make such a board that the people should understand just by reading it. तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि board पर क्या लिखे, जो पढ़ते ही कोई अंदर आ जाए। So, the intellect of the children should work regarding what should be written on the board so that anyone would come inside just by reading it. बहुत बच्चे हैं जो time waste करते रहते हैं, service करने की अकल नहीं है। Many children are there who keep on wasting time. They don't have the brains to do service. Service सहज ते सहज भी है और difficult ते difficult भी। Service is the easiest of the easy and the most difficult of the difficult. सहज किनके लिए है? For whom is it easy? सहज उनके लिए है जो बाप की याद में रहते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। It is easy for those who stay in the remembrance of the father and follow the श्रीमत। और difficult किनके लिए है? And for whom is it difficult? याद में भी नहीं रहते और श्रीमत पर भी नहीं चलते। For those who don't remain in remembrance and don't follow the श्रीमत either. एक बाप को पूरा याद न करने से पूरा खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। Because of not remembering one father fully, the mercury of happiness does not rise fully. विविचारी याद हो जाती है। The remembrance becomes adulterated. तो विविचारी याद होने के कारण बुद्धि विविचारी होने से The intellect becomes adulterated due to the remembrance becoming adulterated. सेवा का वो फल नहीं निकलता जिससे खुशी होगी। And hence, that fruit of service from which there is happiness doesn't come out. अज्ञान काल में कोई गरीब को अडॉप्ट करे If in the period of ignorance someone adopts someone poor, तो उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। His, that is the poor one's mercury of joy rises. कोई गरीब आदमी का बच्चा हो If there is a child of some poor man और कोई करोड़पति उसको गोद ले लेवे And some multi-billionaire adopts him तो बच्चे को कितना नशा चढ़ जाएगा Then the child will be so intoxicated और यहाँ तो And here यहाँ तो स्वयं भगवान बाप आकर के तुम बच्चों को गोद लेते हैं Here, God the Father Himself comes and adopts you children. अपनी गोद का बच्चा बनाए वारिसदार बनाते हैं। By making you the child of His lap, He makes you the heirs. फिर भी बच्चों को नशा नहीं चढ़ता। Still, the children don't become intoxicated. हम वेद के बाप की संतान है ये नशा चढ़ता ही नहीं। The intoxication, we are the progeny of the unlimited Father, doesn't rise at all. बुद्धि में आना चाहिए किन्होंने हमको अडॉप्ट किया है इट शुड कम इन द इंटेलेक्ट हु हैज अडॉप्टेड अस परमपिता कहने से खुशी चढ़ जानी चाहिए हैप्पीनेस शुड इंक्रीज फ्रॉम सेइंग द सुप्रीम फादर परंतु माया ऐसी है जो पता भी है कि परमपिता परमात्मा कहते हैं फिर भी बुद्धि गुम हो जाती है But Maya is such that although we know that the Supreme Father, Supreme Soul speaks, the intellect becomes lost. Over there, if a rich man adopts a poor man, he will never leave him. Here, the children develop faith, they receive the inheritance of paradise as well. अनुभव भी करते हैं खुशी का फिर छोड़ देते They also experience the happiness and then they leave. राम का बन करके 8-10 वर्ष पद फिर पा करके और जा करके रावण के बन जाते Having belonged to Ram, then having achieved a position for 8-10 years and then they go and become of Ravan. ये भी एक वंडरफुल बात है This is also a wonderful thing. बच्चों को हिम्मत रहती नहीं है याद करने की The children don't have courage to remember. लिखा पढ़ी भी बहुत करते हैं They also do a lot of writing and reading. सर्विस भी बहुत अच्छी करते हैं
दे ऑल्सो डू वेरी गुड सर्विस. इतना करते हुए भी माया से हरा लेते. डिस्पाइट डूइंग सो मच दे आर डिफीटेड बाय माया. तो देखो माया कितनी जादूगरनी. सो सी माया इज सच अ मैजिशियन. पाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ. द फादर सेज आई रिवील माई सेल्फ बिफोर द चिल्ड्रन. क्या? वॉट? जो मेरे बच्चे हैं उनके आगे प्रत्यक्ष होता हूँ. दोज हु आर माई चिल्ड्रन आई रिवील माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम. जो रावण के बन जाते हैं उनके आगे प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ. आई डू नॉट रिवील माई सेल्फ बिफोर द वंस हु बिकम ऑफ रावण. बाप बच्चों से सब कार्य कराते हैं. द फादर गेट्स ऑल द वर्क डन थ्रू द चिल्ड्रन. बाप आते हैं शुभ कार्य कराने. द फादर कम्स टू गेट ऑस्पिशियस वर्क डन. रावण अशुभ कार्य करा देता है. रावण गेट्स इन ऑस्पिशियस वर्क डन. तुम जानते हो दुनिया रावण की तरफ है और तुम रावण की राम की तरफ हो. यू नो दैट द वर्ल्ड इज ऑन द साइड ऑफ रावण एंड यू आर ऑन द साइड ऑफ राम. तो राम तो तुमको शुभ ही राय देते हैं ना. सो राम गिव्स यू ऑस्पिशियस एडवाइस डजंट ही. इस बात में समझ होनी चाहिए. यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग इन दिस. कि मैं कर्तव्य शुभ करता हूँ या अशुभ करता हूँ. डू आई परफॉर्म ऑस्पिशियस एक्शंस और इनऑस्पिशियस एक्शंस. मिसाल के लिए ये चित्र सामने रखे हैं. दिस पिक्चर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू एज एन एग्जाम्पल. सत्युग में कब इन्होंने अशुभ कार्य नहीं किया होगा. दे वुड हैव नेवर परफॉर्म्ड इनऑस्पिशियस एक्शंस इन द गोल्डन एज. इन्होंने हु कौन से चित्र की बात की. विच पिक्चर्स डिड ही टॉक अबाउट. लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने होता है. द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ देम. तो उनकी तरफ इशारा किया लक्ष्मी नारायण ने सत्युग में कब अशुभ कार्य नहीं किया होगा. सो ही इंडिकेटेड टुवर्ड्स देम दैट दीज लक्ष्मी नारायण वुड हैव नेवर परफॉर्म्ड एनी इनऑस्पिशियस एक्शंस इन द गोल्डन एज. कहाँ? व्हेन? सत्युग में. इन द गोल्डन एज. फिर कहाँ किया होगा. देन व्हेन वुड दे हैव परफॉर्म्ड इट. सत्युग में तो अशुभ कार्य नहीं किया होगा. They wouldn't have performed inauspicious actions in the golden age. त्रेता में भी नहीं किया होगा. They couldn't have performed it in the silver age either. फिर कहाँ किया होगा. Then when could they have performed it? जब द्वापर में आते हैं, द्वापर में आते हैं, दो मते में पड़ जाते हैं. When they come to the copper age, to the two cities, that is द्वापर, when they fall into two systems of opinions. तो द्वैत बुद्धि होने से फिर उल्टे काम होने लग पड़े. देन बिकॉज ऑफ द ड्यूअलिस्टिक इंटेलेक्ट ऑपोजिट एक्शंस बिगिन टू बी परफॉर्म्ड. तो उल्टे काम होने का अशुभ कर्म होने का कारण क्या हुआ. व्हाट इज द रीजन फॉर परफॉर्मिंग ऑपोजिट एक्शंस इनऑस्पिशियस एक्शंस. एक की मत पर चलते हैं तो शुभ कार्य. इफ दे फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ वन देन द एक्शंस परफॉर्म्ड आर ऑस्पिशियस एक्शंस. और अनेकों की मत पर चल पड़ते हैं तो अशुभ कार्य. एंड इफ दे फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ मेनी द एक्शंस परफॉर्म्ड आर इनऑस्पिशियस एक्शंस. तो बच्चों किसी को दुख नहीं देना. सो चिल्ड्रन डोंट कॉज सोरो टू एनीवन. और कोई भी प्रकार का अब अशुभ कार्य नहीं करना. एंड नाउ डोंट डू एनी काइंड ऑफ इनऑस्पिशियस एक्शंस. इनसे भी कर्म बन जाते हैं. दे लीड टू ऑपोजिट एक्शंस. तो फिर दरकार ही क्या है. सो व्हाट इज द नीड टू परफॉर्म देम. दिल के अंदर खाता है ना. मैं अशुभ कार्य करता हूँ. इट प्रिक्स विद इन द हार्ट थिंकिंग आई परफॉर्म एन इनऑस्पिशियस एक्शन डजंट इट. फिर भी अपने ऊपर ग्लानि नहीं होती है. स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे. नेवर्थलेस You don't feel the blame upon yourselves. How will we become the master of paradise? क्योंकि आपन को 21 जन्म के लिए घाटा लगाते हो. It is because you bring loss to yourselves for 21 births. रो रो करके क्षमा मांगनी चाहिए. You should cry and ask for forgiveness. बाबा हम कभी ऐसे अशुभ कर्म नहीं करेंगे. पापा आई विल नेवर अगेन डू एन इनऑस्पिशियस एक्शन लाइक दिस. बाबा कहेंगे तुम अपना ही खाना खराब करते हो. पापा विल से यू स्पॉइल योर ओन फूड. अपन को फायदा डाला अथवा घाटा डाला
तो वो कल्प कल्पांतर का बन जाता है। Whether you made a profit or a loss for yourselves, it becomes fixed for cycle after cycle. यहाँ एक बार शूटिंग की और वहाँ की अनेक बार की हो जाती। Here you did a shooting once and it becomes for many times there. बाबा को बताने से तुम बच्चों को मदद मिल जाती। By telling Baba, you children receive help. सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। The Lord is pleased with a true heart. मार्ग इतना अच्छा है और कितना सहज है। The path is so good and so easy. तो तुम बच्चों को किसी को दुख देने की दरकार नहीं है। So there is no need for you children to give sorrow to anyone. सहज भी मार्ग है, अच्छा भी मार्ग है, फिर तुम दुख क्यों देते हो? The path is easy as well as good. Then why do you give sorrow? तुम सुखधाम का मार्ग बताते रहो प्रेम से। Keep on showing the path to the abode of happiness with love. बच्चों को बाप जब हर्षित देखते हैं तो समझाते हैं ये खुशी से बच्चा नाचता रहता है। When the father sees the children delighted, he explains, this child keeps dancing in happiness. सच्चा सच्चा रूप बसंत है। He is a true beauty and spring, that is रूप बसंत। या? What? जो बच्चा याद में तीखा रहेगा तो उसका मुखड़ा खिला हुआ रहेगा। The face of a child who is sharp in remembrance would be blooming. रूप दिखाई पड़ेगा रूहानियत का। The beauty of spirituality will be visible from it. और बसंत? And spring? बसंत ऋतु में जैसे फूल खिलते हैं तो चारों ओर खुशबू फैलती है। Just like when flowers bloom in the spring, the fragrance spreads all around. तो ऐसे बच्चों से ज्ञान की खुशबू आती है, गुणों की खुशबू आती है, जैसे रूप बसंत। So the fragrance of knowledge, the fragrance of virtues comes from such children as if they are the beauty and spring. उनके मुख से रतन ही रतन निकलते हैं। Only jewels emerge from their mouths. एक दो की ग्लानी करना वो तो पत्थर निकालना हुआ। Defaming each other is like throwing stones. बाबा के लिए कोई कहे हमको दुख दिया, तकलीफ दिया। If someone says about Baba, he gave us sorrow, he troubled us. कोई इस बात का प्रूफ नहीं करके दिखा सकता। No one can bring and show a proof for this. किसके लिए? For whom? किसन की वाणी है? This vani is of which year? 65 की वाणी है ना? This is a vani of the year 65, isn't it? तो 65 में बाबा ने कहा कोई ऐसा नहीं है जो ये प्रूफ करके दिखावे कि ब्रह्मा बाबा ने किसी को दुख दिया। So in 65 Baba said there isn't anyone who could prove and show that Brahma Baba gave sorrow to someone. कोई भी प्रकार की तकलीफ दी ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखा सकता। No one can provide a proof that he caused any kind of trouble. कभी नहीं हो सकता। It can never happen. जानते भी हैं इससे बुराइयां बहुत होती हैं। I know that he performs many wrong deeds. तो भी मैं कहता हूँ। Nevertheless, I say. ये बच्चा बहुत अच्छा है। This child is very good. उस बच्चे को मुरली में समझाए देता हूँ। I explain to that child in the murlis. बाबा समझते हैं। बदला लेने में देरी नहीं करते हैं। Baba understands that they don't take long to take revenge. और ही डिसर्विस करेंगे। They will do even more disservice. तो कोई को ऐसा चांस क्यों देवे जो उल्टी सुल्टी बात बतलाए किसी का अकल्याण कर दे। So why should we give someone a chance to say something wrong and cause harm? इसलिए बाबा हमेशा मीठा ही बोलते। That is why Baba always speaks sweetly. जैसे कर्म करता हूँ तुम भी करते रहो। Keep performing the deeds like I do. कोई गुस्सा करे तुम शांति में रहो। If someone becomes angry, remain peaceful. कोई गुस्सा करे तो शांत में रहे। Should we remain peaceful if someone becomes angry? कोई मारे पीटे तो शांत में रहे।
Should we remain peaceful if someone beats us? माताएं तो पिटाई पिटते पिटते बहुत परेशान हो रही। The mothers are becoming very troubled taking the beatings. कहाँ तक शांति में रहे? Until when should we remain peaceful? अब क्यों शांति में रहे? And why should we remain peaceful? है? कारण क्या? What is the reason? बाबा इतना बोलते हैं तो कोई तो बात होगी। When Baba says so much, there must be some reason. है? क्यों शांति में रहे? Why should we remain peaceful? क्योंकि पूर्व जन्म में माताएं भी तो पुरुष बनी थी। Because even the mothers had become men in the previous births. कि नहीं बनी होगी? Or didn't they? एक जन्म में पुरुष एक जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। We have to become a man in one birth and a woman in the next birth. अंतमाती सुगते तो होती है ना? It is the final thought leads you to the destination, isn't it? स्त्री जब चोला छोड़ती है। When a woman leaves the body, तो पुरुष की याद में चोला छोड़ती। She leaves it in the remembrance of a man. तो पुरुष का जन्म लेना पड़ता है। Therefore, she has to take birth as a man. और पुरुष जब चोला छोड़ता है, तो स्त्री की याद में चोला छोड़ता है। And when a man leaves the body, he leaves it in the remembrance of a woman. तो उसको स्त्री का जन्म लेना पड़ता है। Therefore, he has to take birth as a woman. तो जो भी इस जन्म में माता का चोला लिया है, So, whoever has taken a body of a mother in this birth, अबला का चोला लिया है, Whoever has taken a body of a weak woman, that is Abla, in this birth, तो सहन तो करना ही पड़ता है ना? They have to tolerate, haven't they? इसलिए कभी तलखीलापन नहीं आना चाहिए। That is why you should never have a bitter feeling. क्रोध नहीं आना चाहिए, सहन करना चाहिए। You shouldn't become angry. You should tolerate it. कोई गुस्सा करे, तुम शांति में रहो। If someone becomes angry, remain in peace. कोई की पिछाड़ी झटकना भी नहीं चाहिए। You should not be suddenly irritated with anyone. कह देना चाहिए हमको टाइम नहीं है। You should say, we don't have time. तुम और कोई समय आना। You come at some other time. तुम्हारे इस समय आने का मुहूर्त नहीं है। It is not the time for you to come now. तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी डाढ़े से वर्षा ले रहे हो। All of you Brahma Kumars, Kumaris are taking the inheritance from the grandfather, that is Dadi. तो आकर के वर्षा लो। So come and take the inheritance. कोई की भी रग देखनी चाहिए। You should check the pulse of anyone. ये ज्ञान सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है? Does he want to listen to knowledge or not? क्योंकि तुम बच्चे रूहानी सर्जन हो ना? It is because you children are spiritual surgeons, aren't you? Yeah. What? जिस्मानी सर्जन में और रूहानी सर्जन में तो अंतर होता है। There is a difference between a bodily surgeon and a spiritual surgeon. तो कोई की रग देखनी चाहिए। So you should check the pulse of anyone who comes. Practice अच्छी चाहिए। Good practice is required. आजकल दुनिया में गंदे बहुत होते हैं। Nowadays many become dirty in the world. इतने गंदे होते हैं कि कोई को भी छोड़ते नहीं। They become so dirty that they don't leave alone anyone. सामान चोरी कर देते हैं, खून कर देते हैं। They steal things, commit a murder. तो बहुत बच्चों की दिल होती है कि हमें इस दुनिया से जावे। So many children desire to leave this world. इस दुनिया को छोड़ करके जल्दी जावे। अपनी राजधानी। Let us leave this world and go quickly to our capital. परंतु अभी पूरा काम हुआ कहाँ है? But where has the work been completed now? जो हम अपनी राजधानी में चले जावे। So that we could go to our capital. इतने आजो ना हमें अभी बने कहाँ हैं जो स्वर्ग में जाने लायक हो गए हो? Where have we now become so capable that we would be worthy of going to paradise? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धीरे धीरे जाड़ वृद्धि को पाता है। Those of the sun dynasty, those of the moon dynasty, the tree expands gradually. क्या? What? पहले कौन तैयार होंगे? Who will be ready first? पहले सूर्यवंशी तैयार होंगे।
those of the Sun dynasty will be ready first. फिर चंद्रवंशी तैयार होंगे. Then those of the Moon dynasty will be ready. फिर और दूसरे दूसरे इस्लाम बौद्ध वंश की आत्माएं तैयार होंगी. Next, the others, the souls of the Islam Buddhist dynasties will be ready. तो धीरे धीरे जड़ वृद्धि को पाता है. So the tree expands gradually. वो तो एक ही भाषण से कितने बौद्ध बनाए देते. They make so many Buddhists just with one speech. यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है. Here we have to do such a lot of hard work. क्यों? Why? यहाँ इतनी मेहनत क्यों होती है देवी देवता सनातन धर्म में? Why is there such a lot of hard work here in the ancient deity religion? और दूसरे धर्म वाले एक ही भाषण देते हैं, ढेर सारे निकल पड़ते हैं. And those of the other religions give just one lecture and many turn up. कारण क्या है? What is the reason? क्योंकि हम देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं बहुत पुरानी. It is because we souls of the ancient deity religion are very old. 84 जन्म लेते लेते हमने बहुत तामसी वृत्ति को पाई ली है. While taking the 84 births, we have acquired a much degraded attitude. जब हम ऐसी तामसी वृत्ति की आत्माएं बन जाते हैं. When we become souls of such a degraded attitude, तो परमपिता परमात्मा पतित तन में आता है. The Supreme Father, Supreme Soul comes in an impure and degraded body. वो धर्म पिता है, वो तो सात्विक स्टेज में होते हैं और सात्विक पार्ट बजाते हैं. Those religious fathers are in the pure stage and they play a pure part. इसलिए उनको बहुत लोग फॉलो कर लेते हैं. That is why many people follow them. यहाँ तो बाप गुप्त रूप में आता है. Here the father comes in a secret form. वो धर्म पिता हैं, उतने गुप्त रूप में नहीं आते. Those religious fathers don't come that much in a secret form. और बाप साधारण तन में आता है. And the father comes in an ordinary body. तो यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है मनुष्य को देवता बनाने में. So here we have to do such a lot of hard work in making human beings into deities. वो धर्म पिताएं आते हैं, कोई मनुष्य को देवता थोड़े ही बनाते हैं. Those religious fathers come, they don't make human beings into deities. क्या बनाते हैं? What do they make? और ही मनुष्य नीचे गिर करके राक्षस बन जाते हैं. The human beings fall down even more and become devils. तो नीचे उतरना सहज होता है, उतारना सहज होता है. So is it easy to fall down, to bring down? या ऊपर चढ़ना चढ़ाना सहज होता है. Or is it easy to climb up, to make someone climb up? क्या सहज होता है? What is easy? है? ऊपर चढ़ना कठिन होता है. Climbing up is difficult. ऊपर दूसरे को चढ़ाना कठिन होता है और नीचे उतरने में कोई तकलीफ नहीं होती. Making the other one climb up is difficult and there is no difficulty in coming down. तो तुम बच्चों को पिछाड़ी में खूनी नाक खेल बहुत खौफनाक देखने. So you children have to see a terrible play of bloodshed at the end. तुम आपस में बहलते रहेंगे. You will be entertained among yourselves. जब दुनिया में खून खराबा होगा. When there is bloodshed in the world, विनाश होगा. When there is destruction, तो तुमको बाप बहलावेंगे. The father will entertain you. बुद्धि में आता रहेगा ये फलाना राजा बनेगा, ये रानी बनेगी. It will keep coming in the intellect that so and so will become a king, so and so will become a queen. तुम बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे. You children will be very happy. और दुनिया हाय हाय करती रहेगी. And the world will be making sounds of distress. बहुत बहुत दुख का समय होता है. It is the time of great sorrow. और तुम फरिश्ते बन जाते हो. But you become angels. ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाती है. You come to such a climax of knowledge. कि देह और देह के संबंधों से तुम्हारी बुद्धि उपराम हो जाती है. That your intellect
goes beyond the body and bodily relationships. Asuri sampradaya machho muafik marte rahenge. The devilish community will keep dying like mosquitoes. Kya? What? Jo gyan na lene wale hain? Those who are not the ones who take knowledge. Jaise machhar marte hain, aise machharon se das marte rahenge. Will keep on dying like the mosquitoes. Us samay ke liye avastha bahut jamani chahiye. You should build up a very good stage for that time. Isliye jamani chahiye. Why should you build one? Jinki atma ki sthiti is samay practice se ban jayegi. Those children who attain the soul conscious stage through practice at this time. Usi samay wo bacche theher sakenge. Will be able to survive at that time. Jinhone baap ki mat ko abhi mana. Those who now accept the opinion of the father. Mahakal ki tum bacche ho. You are the children of Mahakal, that is a title of Shiv. Ye Mahakal bhi akal murt hai. This Mahakal too is akal murt, that is in the corporeal form and cannot be conquered by death. Akal takt sharir mein nivas karke varsha dete hai. He gives the inheritance by residing in the immortal throne, the body. Yeah? What? कौन से तख्त में निवास करके वर्षा देते हैं? On which throne does he reside and give the inheritance? वो अनिश्चय बुद्धि में प्रवेश करके वर्षा नहीं देते. He doesn't give the inheritance by entering someone with a doubting intellect. ऐसे निश्चय बुद्धि में निवास करके वर्षा देते हैं जो अकाल तख्त कहा जाता है. He gives the inheritance by residing in the one with such a firm intellect that is called an immortal throne. मनुष्य ऐसे नहीं कहते हैं कि कृष्ण के तन में भगवान था. Human beings do not say that God was in the body of Krishna. वो तो कहते हैं कृष्ण अर्जुन के रथ में आया. They say that Krishna came in the chariot of Arjun. कह देते हैं कृष्ण भगवान हुआ. They just say God Krishna said. वास्तव में यहाँ तो है शिव भगवान हुआ. In reality here it is God Shiv said. यहाँ कोई कृष्ण आकर के हमको पढ़ाई नहीं पढ़ाते. No Krishna comes here and teaches us. वो तो सुख का सागर है. That one is the ocean of happiness. परमपिता परमात्मा है. He is the supreme father, supreme soul. कोई तो कह देते हैं दोनों एक ही है. Some say that both are the same. कृष्ण भी वही एक है और निराकार भगवान भी एक ही है. Krishna is the same and the incorporeal God is also the same. वो एक ही भगवान अनेक रूप धारण करके लीला करते हैं. The one God himself assumes many forms and does a play. मानो भक्तों की दृष्टि में राम भी एक ही है, कृष्ण भी एक ही है और वो निराकार शिव एक ही है. It means that from the point of view of the devotees, Ram, Krishna and the incorporeal Shiv are the same. तो जब सब एक ही है तो अलग अलग उनकी कथाएं बैठ क्यों सुनाते हो? If all are the same, then why do you sit and narrate their different stories? अलग अलग उनके ग्रंथ क्यों बनाए दिए हैं? Why have they made separate scriptures for them? बेचारे समझते नहीं हैं कि वो निराकार शिव जिस राम में प्रवेश करके आता है उस राम के शरीर में कृष्ण की सोल भी मस्तक पर विराजमान होती है. Poor fellows, they don't understand that the soul of Krishna is also seated on the forehead of the body of Ram in which the incorporeal Shiv enters. तो एक ही शरीर और उस एक ही शरीर में तीन आत्माएं इकट्ठा कार्य करती है. So the body is one and three souls together work in that one body. इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है. That is why it is said the त्रिमूर्ति शिव. उस स्वरूप का नाम क्या कहा जाता है? What is the name given to that form? शंकर. शंकर. शंग में शिव समाया हुआ है. शंग in which the word शिव is merged. का इसमें कृष्ण समाया हुआ है. क इन विच द वर्ड कृष्णा इज मर्ज्ड. र इसमें राम समाया हुआ है. र इन विच द वर्ड राम इज मर्ज्ड.
इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि एक ही भगवान अनेक रूप धारण करके लीला करते हैं। That is why the devotees say that one God takes many forms and does a play. अब उनको कितना भी माथा मारो। Now, to whatever extent you rack your brains for them, सीधा सीधा समझा के कितना भी माथा मारो, उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। To whatever extent you rack your brains explaining to them straightforwardly, it is not going to sit in their intellect. वो तो फिर भी कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी। Yet they will say that God is omnipresent. राम में भी वही भगवान है, कृष्ण में भी वही भगवान है, मेरे में भी वही भगवान, तुम्हारे में भी वही भगवान। There is the same God in Ram, the same God is in Krishna, the same God is in me, the same God is in you. अरे वो तो बाप है। अरे he is the father. सुख का वर्षा देता है। He gives the inheritance of happiness. स्वर्ग का वर्षा देता है। He gives the inheritance of paradise. नरक का वर्षा थोड़ी देता है। He doesn't give the inheritance of hell. जब बाप है वर्षा देता है तो सर्वव्यापी कैसे होगा? When he is the father, he gives the inheritance. How can he be omnipresent? उनसे वर्षा तुम बच्चों को मिलना है। Your children are yet to receive the inheritance from him. अभी मिला नहीं है। You haven't received it yet. ये बात उनकी बुद्धि में ठहरेगी जो ब्राह्मण बनने वाला होगा। This issue will fit in the intellect of the one who is going to become a Brahmin. क्या? What? अगर ब्राह्मण बनने वाला नहीं होगा, If he is not going to become a Brahmin, तो उनकी बुद्धि में ये बात ठहरेगी नहीं। Then this issue will not fit in his intellect. कौन सी बात? Which issue? कि बाप से सुख शांति का वर्षा हमें इसी जन्म में मिलता है। That we receive the inheritance of happiness and peace from the father in this very birth. अगर उनकी बुद्धि में नहीं बैठना होगा, If it is not supposed to fit in their intellect, तो समझ लो वो पक्का ब्राह्मण बनने वाली नहीं है। Then understand that they are not going to become a real pakka Brahmin. जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं उनकी बुद्धि में ये बात ठहर जाती। This issue fits in the intellects of the ones who become real Brahmins. अभी sampling लग रहा है। Now grafting, that is sampling, is being done. गवर्नमेंट भी पौधों की सैंपलिंग लगाती है ना? The government too does grafting of the plants, doesn't it? झाड़ का सैंपलिंग लगाती है और यहाँ ये बेहद का बाप। They do grafting of trees and here this is the unlimited father. बेहद का झाड़ है मनुष्य सृष्टि का। There is the unlimited tree of the human creation. उसकी अभी सैंपलिंग लगा रहे हैं। He is grafting on it now. सैंपलिंग लगाई जाती है ना? तो एक पुराना झाड़ होता है जड़ सहित। When a grafting is done, there is an old plant with its root. तो जड़ सहित जो पुराना झाड़ होता है उसकी कलम काटते हैं। They cut a graft from the old plant with its root. है? और जो नया बीज होता है, सुधारा हुआ बीज, उसका जो पौधा तैयार होता है, उसमें से ऊपर का हिस्सा काटते हैं। And from the plant which grows from a new improved seed, they cut the above portion. क्या? What? वो ऊपर का हिस्सा उस पुराने जड़ वाले हिस्से से जोड़ देते। They join the upper portion with the old plant with the root. क्या मतलब हुआ? What does it mean? ये लगी sampling. This is grafting. तो झाड़ ज्यादा फल देने वाला तैयार होता है। So then the tree which grows gives more fruits. बड़ा बड़ा फल देता है। It gives bigger fruits. झाड़ नया हो जाता है। The tree becomes new. यहाँ जड़ वाला हिस्सा कौन सा है? Here which is the part of the roots? जो ब्राह्मण जड़ों पर बैठे हुए दिखाए गए हैं बेसिक नॉलेज में वो हो गया जड़ का हिस्सा। The Brahmins that are shown sitting on the roots in the basic knowledge is the part of the roots. पुराना जर्जरी भूत हिस्सा, द ओल्ड वर्न आउट पार्ट, और जो नए बीज तैयार हुए एडवांस पार्टी में उनके नए पौधे तैयार हुए। एंड द न्यू प्लांट्स हैव ग्रोन फ्रॉम द न्यू सीड्स दैट वर प्रिपेयर्ड इन द एडवांस पार्टी। परिष्कृत बीज है,
दे आर द रिफाइंड सीड्स। ज्ञान जल से उनको सींचा गया है। दे हैव बीन इरिगेटेड विद द वाटर ऑफ नॉलेज। तैयार किए गए। दे हैव बीन प्रिपेयर्ड। याद की अग्नि में उनको शोधा गया है। दे हैव बीन प्यूरिफाइड इन द फायर ऑफ रिमेम्बरेंस। ऐसे बीजों से जो पौधे तैयार हो रहे हैं। फ्रॉम द प्लांट्स दैट आर ग्रोइंग आउट ऑफ सच सीड्स। उन पौधों की कलम काट करके उस पौधे में लगाई जाती है, पुराने झाड़ की। अ ग्राफ्ट इज टेकन एंड जॉइंट विद द ओल्ड ट्री। तो अभी सैंपलिंग लग रही है। नाउ द ग्राफ्टिंग इज गोइंग ऑन। जैसे गवर्नमेंट सैंपलिंग लगाती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट डज ग्राफ्टिंग। यहाँ बेहद का बाप सैंपलिंग लगाए रहे। हियर द अनलिमिटेड फादर इज डूइंग द ग्राफ्टिंग। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाए रहे हैं। ही इज मेकिंग द ग्राफ्ट ऑफ द एंशिएंट डीटी रिलीजन। कोई कहाँ से निकलता है। समवन कम्स आउट फ्रॉम समवेयर। किस धर्म में होंगे। दे मे बिलोंग टू एनी रिलीजन। कोई कहाँ के होंगे। समवन वुड बी ऑफ समवेयर एल्स। क्या वैरायटी झाड़ है। व्हाट इट इज अ वैरायटी ट्री। तो कोई के बीज कहाँ से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, कोई दूसरे धर्म से आते हैं। सो सम सीड्स कम फ्रॉम समवेयर, कम फ्रॉम सम रिलीजन, समवन कम्स फ्रॉम अनदर रिलीजन। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाने की कोशिश करो। द फादर सेज ट्राई टू एक्सप्लेन टू द वंस हु आर द डिवोटीज ऑफ द डीटीज। क्या व्हाट जो क्राइस्ट के भक्त हो, महात्मा बुद्ध के भक्त हो, सन्यासियों शंकराचार्य के भक्त हो, गुरु नानक के भक्त हो, उनको उनमें माथा उतना मारने की दरकार नहीं है। देयर इज नो नीड टू रैक योर ब्रेन्स फॉर दोस हु आर द डिवोटीज ऑफ क्राइस्ट, हु आर द डिवोटीज ऑफ महात्मा बुद्ध, हु आर द डिवोटीज ऑफ द सन्यासीज एंड शंकराचार्य, हु आर द डिवोटीज ऑफ गुरु नानक। जो देवताओं के भक्त उनको समझाओ। एक्सप्लेन टू दोस हु आर द डिवोटीज ऑफ द डीटीज। शिव के मंदिर में चले जाओ। गो टू द टेम्पल ऑफ शिव। क्या जो शिव को मानने वाले पुजारी होंगे वो शिव के मंदिर में जाते होंगे। वॉट द वर्शिपर्स हु बिलीव इन शिव वुड बी गोइंग टू द टेम्पल ऑफ शिव। पुजारियों को जाकर समझाओ। गो एंड एक्सप्लेन टू द वर्शिपर्स। ये मंदिर में कौन बैठा है। शिव के मंदिर में पुजारियों से पूछो ये कौन बैठा है। इन द टेम्पल ऑफ शिव आस्क द वर्शिपर्स हु इज दिस सिटिंग हियर। शिव बाबा के भी बहुत नाम रख दिए। दे हैव गिवन मेनी नेम्स टू शिव बाबा टू। बबूलनाथ कहते हैं। दे से बबूलनाथ दैट इज द लॉर्ड ऑफ द थॉर्न्स। बबूलनाथ का मंदिर है बम्बई में। द टेम्पल ऑफ बबूलनाथ इज इन बॉम्बे। कांटों को फूल बनाने वाला है। ही इज द वन हु चेंजेस द थॉर्न्स इनटू फ्लावर्स। बम्बई में यादगार क्यों बनी हुई है बबूलनाथ। व्हाई इज द मेमोरियल ऑफ बबूलनाथ मेड इन बॉम्बे। बड़े बड़े बबूल के कांटे हैं। बिग थॉर्न्स ऑफ अकेशिया दैट इज बबूल आर देयर। बांब ज्ञान के बांब फूटते हैं तब वो कांटे फूल बनते हैं। व्हेन द बॉम्ब्स ऑफ नॉलेज एक्सप्लोड देयर दोस थॉर्न्स बिकम फ्लावर्स। तो जरूर बबूलनाथ बाप ने कांटों को फूल बनाया है। सो सर्टनली द फादर बबूलनाथ हैज चेंज्ड द थॉर्न्स इनटू फ्लावर्स। बरोबर बाबा कांटों को फूल बनाए रहे। प्रिसाइसली बाबा इज चेंजिंग थॉर्न्स इनटू फ्लावर्स। ये सारी दुनिया है कांटों की, पाप आत्माओं की दुनिया। This entire world is the world of thorns, of sinful souls. अकेली बम्बई की बात नहीं है। It is not about Bombay alone. अकेली बम्बई माया की नगरी नहीं है। Bombay alone is not the city of Maya. सारी दुनिया ही कांटों का जंगल। The entire world is the forest of thorns. पाप ही पाप करते रहते। They keep on committing sins and only sins. सबसे ज्यादा पैसा कौन सी नगरी में कमाया जाता है? है? बम्बई में।
इन विच सिटी इज मनी अर्न द मोस्ट इन बॉम्बे। तो आज की दुनिया में जो पैसा कमाने वाले हैं, वो बहुत पाप करते हैं। द वंस हु अर्न मनी इन टूडेज वर्ल्ड कमिट अ लॉट ऑफ सिंस। पाप ही पाप करते रहते हैं। दे कीप ऑन कमिटिंग सिंस एंड ओनली सिंस। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये भी पाप है ना? Saying God is omnipresent is also a sin, isn't it? बच्चे भी भ्रष्टाचार से पैदा करते हैं। They also give birth to children through corrupt behavior. फिर उनको भिख के लिए शादी कराते हैं। Then they arrange their marriage for the sake of poison. और बाप आकर के भिख का हथियाला बांधना कैंसिल कराता। But the father comes and cancels the making of the deed for poison. काम शिक्षा से उतार ज्ञानी शिक्षा पर बैठने की प्रतिज्ञा कराते हैं। He makes you promise that you will get off from the pyre of lust and sit on the pyre of knowledge. तुम वो रूहानी ब्राह्मण वो है कलयुगी ब्राह्मण। You are the spiritual Brahmin. They are the Iron Age Brahmins. तुम हो संगमयुगी ब्राह्मण। You are the Confluence Age Brahmins. तुम ब्राह्मण नए बनते जाते हो। You Brahmins go on becoming new. जब पूरा बन जावेंगे तब ये तुम्हारा शरीर छूट जावेगा। When you become completely new, then this body of yours will be left. शरीर छूट जावेगा? Will the body be left? मुरली में तो बोला शरीर छोड़ना थोड़े ही सिखाते हैं। It was said in the Murlis, he doesn't teach to leave the body. शरीर छोड़ना माना मरना। To leave the body means to die. तुम्हें जीते जी मरना सिखाते हैं। He teaches you to die alive. जब तुम्हारी आत्मा देहभान से जीते जी मर जाती है तो क्या होता है? What happens when your soul dies from body consciousness alive? तुम्हारी आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देती। Your soul leaves the consciousness of this body. शरीर से डिटैच हो जाती है। It becomes detached from the body. तुमको फिर आप समान बनाना है। Then you have to make the others equal to you. जैसे भ्रमणी कीड़ों को आप समान बनाती है। Just like a black bee makes the worms like itself. सन्यासी भी भ्रमणी का मिसाल देते हैं। The sannyasis also mention the example of the black bee. परंतु वह तो कुछ बनाते नहीं है। But they don't make anything. तुम तो यहाँ मनुष्य को देवता बनाते हो, विष्टा के कीड़े को ज्ञानामृत पिलाए, भू भू करके परिजात बनाए देते। Here you change human beings into deities by making the worms of excrements drink the nectar of knowledge and by buzzing you make them into fairies. माता जानती हैं ये विष्टा के कीड़े कौन हैं? The mothers know who the worms of excrements are. उन विष्टा के कीड़ों को लगातार भू भू ज्ञान की करते रहने से उनकी बुद्धि एक दिन पलट जाती। By continuously buzzing knowledge to those worms of excrements, their intellect transforms one day. पाप आकर पापात्मा से पुण्यात्मा स्वर्ग का मालिक बनाए देते। The father comes and changes the sinful souls into virtuous soul, then into the masters of paradise. तो भ्रमरी का भी मिसाल देते हैं, कछुए का भी मिसाल देते हैं। They mention the example of a black bee as well as the example of a turtle. सन्यासी लोग मिसाल देते हैं। The sannyasis give these examples. जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे तुम भी योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को समेट सकते हो। Just like a turtle withdraws its organs, in the same way you can withdraw your organs of action through the power of yoga. जब बुद्धि एकाग्र हो जाती है। When the intellect is concentrated, मन एकाग्र हो जाता है। When the mind becomes concentrated, तो इंद्रियां अपना कार्य नहीं करती। The organs don't do their work. इंद्रियां जैसे संकुचित हो जाती हैं। As if the organs become withdrawn. बहिर्यामी नहीं रहती। They don't remain turned towards the outside. तो कछुए का मिसाल जो सन्यासी देते हैं वो तुम्हारी यादगार है। So the example of the turtle that the sannyasis mention is your memorial. वो भी यहाँ की बात है। That too is about here. उस दुनिया की बात नहीं है। It is not about that world. उस दुनिया में कोई ऐसे नहीं हुए जिन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की हो। There hasn't been anyone in that world
who would have gained victory over the organs. इन organs से कर्म करते हो? You work through these organs. और कर्म करते हुए भी बुद्धि से ऊपर आम रहते हो? And despite doing the work, you remain detached from it through the intellect. कोई काम नहीं है? If there is no work, तो अपने को सागर के समान विशाल बनाओ. Make yourselves vast like the ocean. समझो हम पुण्यात्मा सतयुग में हम पुण्यात्मा थे, अभी हम पापात्मा. Think we were charitable souls in the golden age. Now we are sinful souls. वो तो है silence world. That is indeed the world of silence. Nirvana dham. The abode of Nirvana, that is beyond speech. वहाँ आत्माएं हम शांति में रहती हैं. We souls stay there in peace. आत्मा इन organs के द्वारा उच्चारण करती है. The soul speaks through these organs. बोलती है ओम शांति. It says ओम शांति. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ. I the soul am a form of peace. सतो प्रधान आत्मा अभिमानी बनना है. You have to become सतो प्रधान soul conscious, that is consisting mainly in the quality of goodness and purity. Yeah? What? आत्मा अभिमानी भी चार तरह के होते हैं. There are four types of soul conscious ones. सतो सामान्य आत्मा अभिमानी. The सतो सामान्य soul conscious one. सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो. सतो प्रधान सतो सामान्य रजो, that is dominated by the quality of activity or passion, and tamo, that is dominated by the quality of darkness or ignorance. ये अभिमानी भी चार प्रकार के होते हैं. The body conscious ones also are of four types. सतो प्रधान दे अभिमानी. The सतो प्रधान body conscious ones. सतो सामान्य दे अभिमानी. The सतो सामान्य body conscious ones. रजो प्रधान दे अभिमानी. तमो प्रधान दे अभिमानी. रजो प्रधान body conscious ones and the तमो प्रधान body conscious ones. विकारी भी चार प्रकार के होते. The vicious ones are also of four types. सतो प्रधान विकारी. सतो प्रधान विशेष वंस. जो सतो प्रधान अधिकारी होते हैं, those who are सतो प्रधान विशेष, उनके मिलन की इच्छा दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से ही पूरी हो जाती है, शांत हो जाती है. Their desire of meeting is fulfilled, is pacified just by drishti, just by seeing. तमो प्रधान विकारी होते हैं, those who are तमो प्रधान विशेष, उन्हें इंद्रियों का भोग नहीं मिलता तो दूसरे की हत्या भी कर देते हैं. If they don't experience through the organs, they even murder the others. तो विकारी भी अनेक प्रकार के हैं. So the vicious ones are of many types. देह अभिमानी भी अनेक प्रकार के हैं, आत्मा अभिमानी भी इसी तरह चार प्रकार के. As well as the body conscious ones are of many types. And in the same way, there are four types of the soul conscious ones too. इस समय सब तमो प्रधान. At this time, everyone is तमो प्रधान. इस दुनिया में कोई सतो प्रधान आत्मा नहीं है. There is no सतो प्रधान soul in this world. आत्मा बोलती है हम पापात्मा हैं. The soul says, I am a sinful soul. अंदर से समझते हैं सब. Everyone understands from within. क्या? What? कि हम तमो प्रधान पापात्मा. That we are तमो प्रधान sinful souls. बाहर से भल कोई न कहे. Though no one sees it from outside. अब ये पाप कौन कराते हैं? Now who makes them commit these sins? पापात्मा कौन बनाते हैं? Who makes them into sinful souls? जब पाप करते हैं, when they commit sins, तो बाद में अंदर से बहुत पश्चाताप भी होता है. They later repent very much from inside. अंदर ही अंदर रोते भी हैं. They even cry inside. तो ये रुलाने वाला कौन है? So who is this one who makes them cry? नाम रख दिया शास्त्र में रावण. In the scriptures they gave him the name Ravan. उसका अर्थ बताते हैं रावयते लोकान इति रावण. जो लोगों को रुलाता है वो रावण है. They give its meaning as रावयते लोकान इति रावण. The one who makes people cry is Ravan. उसको 10 शीश दे देते हैं. They give him 10 heads. वास्तव में है पांच विकार स्त्री के अंदर.
और 5 विकार पुरुष के अंदर। इन रियालिटी देर आर 5 वाइसेस इनसाइड अ वुमन एंड 5 वाइसेस इनसाइड अ मैन। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड ईगो। पुरुष के अंदर जो 5 विकार है, द 5 वाइसेस विच आर इन अ मैन, और स्त्री के अंदर जो 5 विकार है, एंड द 5 वाइसेस विच आर इन अ वुमन, वो दोनों मिलकर के रावण का रूप बनता है। टुगेदर मेक द फॉर्म ऑफ रावण, उसको कहते हैं माया रावण। दिस इज कॉल्ड माया रावण। वास्तव में शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। इन रियालिटी पीस इज द सेल्फ रिलीजन ऑफ द सोल, दैट इज आत्मा का स्वधर्म। स्वधर्म माना, स्वधर्म मीन्स आत्मा का अपना धर्म है। इट इज द ओन रिलीजन ऑफ द सोल। स्टार की याद में आत्मा अगर 5 मिनट भी स्थिर हो जाए, इफ द सोल रिमेन्स स्टेबल इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्टार इवन फॉर 5 मिनट्स, कहते हैं ना प्रकृति के मध्य चमकता है जब सितारा। दे से डोंट दे, अ स्ट्रेंज स्टार शाइन्स बिटवीन द आईब्रोज। शास्त्रों में भी बताया ब्रवोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक। इट इज ऑल्सो सेड इन द स्क्रिप्चर्स, ब्रवोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का स्मरण करना चाहिए। यू शुड रिमेम्बर द सोल बिटवीन द आईब्रोज। तो ऐसी जो प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्वरूप में टिकने की, उनको तो शांति मिलती है। सो दोज हु प्रैक्टिस बिकमिंग स्टेबल इन द सोल फॉर्म फाइंड पीस। विकारियों को शांति नहीं मिल सकती। द विशियस वंस कैन नॉट फाइंड पीस। काम क्रोध विकार जितने भोगते जाओ उतने ज्यादा और बढ़ते जाते हैं। द मोर यू एक्सपीरियंस वाइसेस लाइक लस्ट एंड एंगर, द मोर दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। आत्मा अशांत होती जाती है। द सोल गोस ऑन बिकमिंग रेस्टलेस। तो तुम बच्चे चलते फिरते अशांत में रह सकते हो। सो यू चिल्ड्रन कैन रिमेन इन पीस वाइल मूविंग अराउंड। अशरीरी हो बैठ जाओ, प्रैक्टिस करो। बिकम बॉडीलेस एंड सिट, प्रैक्टिस दिस। ये अभ्यास तुम बच्चों को सिखाया जाता है। यू चिल्ड्रन आर टॉट दिस प्रैक्टिस। यहाँ तो बाप भी कहते हैं ओम शांति। हियर इवन द फादर सेज ओम शांति। क्या व्हाट? आ उ मा। आ उ मा।